यस हाँ, तो बट आई आई उजाला, आई एम स्टिल नॉट एबल टू गेट व्हाई आर यू नॉट स्विचिंग ऑन दी सर एक्चुअली आई एम इन अ प्लेस वेयर बिकॉज आई हैव लाइक पीपल अराउंड ऑल्सो सो दैट इज द रीजन आई डजंट एम लाइक मैटर उसमें क्या है आई एम लिटिल कॉन्शियस ऑन दिस आई वाज नॉट इवन आई वाज नहीं एक्चुअली नॉट इवन रेडी टू स्विच ऑन द कैमरा एंड चिंता नहीं है, चिंता नहीं है। यू आप थोड़ा सा ऑन करके देख लो बाद में क्वेश्चन ऑफ ये है करके ना वैसे कर सकते कि वो मतलब एक खाली ब्लैंक दीवार में इतनी देर बोलना जो है वो बड़ा अजीब रहेगा, बिकॉज इट विल अपीयर एज इफ आई एम रिकॉर्डिंग ऑन माय ओन विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट गेटिंग द फीलिंग वेदर यू आर लिसनिंग और नॉट लिसनिंग। So you want to have more participant than conduct a class? I'm okay with that No, also. no, no. I see. That is not the. We can't keep on waiting because this is the third. Two classes have been postponed earlier. Right. So we have to have this class. But my only submission is that, see, I am not interested in Right, both. right. So I'm just trying. Give me a second. I'm trying to more. Why is Because it? I'm not interested in the background because I'm talking to you. Yeah, What? because actually I have a small kid also, so he चिंता might नहीं है, एवरीबडी आजकल तो वर्क फ्रॉम होम में इट्स ए वेरी नॉर्मल नेचुरल थिंग। किड्स, डॉग्स, पेरेंट्स, एवरीबडी वो तो चलता है आजकल। वाइफ हस्बैंड हस्बैंड वो ओके चलता है। दैट्स ग्रेट बड़े बड़े प्रोफेसर्स को हमने देखा है। हाँ सो टुडे टुडे वी प्लान टू हैव टू सेशंस वन इज फ्रॉम 2 to 3:30 एंड देन 4 to 5:30 तो हाँ अकॉर्डिंगली बिकॉज इट इज बिटवीन राजन सिन्हा जी एंड उजाला हाँ तो यू कैन और हम डिसाइड यस व्हाट शुड बी द हम मोडस लोग ऑपरेंडी ऑफ द यस क्लास एंड हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट एवर यू आर नॉट इंटरेस्टेड वी विल स्किप दैट पार्ट एंड गो टू द नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज बिकॉज इन एनी केस बोथ ऑफ अस आर देयर एंड वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स। And the topic is very interesting, talent management. So I will just skip now. I think, sir, Rajan Yes. Sinha sir, you can proceed, Ujala, Okay. Thank you. and Okay. then अभी nice. आप वो कर दीजिए, इसमें स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल्ड है। हाँ नहीं, वो तो हम कर देंगे. हमने कहा कि अगर आप चले गए और फिर स्क्रीन शेयरिंग नहीं, मैं जाऊंगा नहीं. आप फोन नहीं से नहीं मैं उसकी बात यही नहीं, अवेलेबल हूँ. आई नहीं जनरली व्हेन आई मेंटेन द क्लास आई जनरली मेंटेन इट बट नहीं ठीक है। आपको मैं होस्ट बना देता हूँ नहीं तो हाँ दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि एंड आई विल रिक्वेस्ट कि वील स्टॉप दिस क्लास इन बिटवीन. जब भी आप चाहेंगे, क्योंकि ये दो धारावाहिक टाइप से होगा तो जितना इस बार हो जाएगा हो जाएगा, वो बाकी अगली बार करेंगे और फिर उजाला जी जो कहेंगे वो कवर करेंगे, जो नहीं कहेंगे वो नहीं कवर करेंगे, क्योंकि हाँ तो ऐसा करते हैं वी विल कंडक्ट ओनली वन सेशन हाँ एंड दैट विल कंटिन्यू एंड देन विल गो ऑफ तो वी विल यस एक्सपेक्ट सपोज 2 to 3:30 और 4 व्हाटएवर सूट्स यू एंड देन सर यू आर होस्ट नाउ हाँ ठीक एंड है। देन यू कैन ओनली स्विच ऑफ आई मीन एंड द सेशन. नॉट ओनली दैट, अगर आपका दूसरी फैकल्टी आ जाए तो आप हमें बता दीजिएगा, देन आई विल स्विच ऑफ नहीं, कोई रिकॉर्डिंग। फैकल्टी आज नहीं आएंगे. आज केवल आप ही आप हैं बस. अच्छा। हाँ, नाउ उजाला हैज कम सो देर इज नो आई मीन प्रेशर फ्रॉम दैट साइड. ठीक है। टुडेज क्लास इज ओनली फुल. ओके ओके। सो जाला जी शुरू किया जाए, श्योर सर. इसके पहले ओके जरा सर, ऑल द बेस्ट. हाँ ये किए थोड़ा सा परिचय दे दीजिए कि आप कहाँ, व्हाट इज इट दैट यू आर वर्किंग, वेयर इज इट दैट यू आर वर्किंग। सर आई एम एक्चुअली बेसिकली फ्रॉम दार्जिलिंग सो आई स्टे हियर विथ माई हस्बैंड. आई हैव अ स्मॉल चाइल्ड ऑल्सो सो आई वर्क विथ मार्क्स एंड स्पेंसर बेसिकली. सो आई एम फ्रॉम अ रिटेल बैकग्राउंड सो ओके आई डो नॉट हैव एनी बैकग्राउंड ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बट आई हैव एन इंटरेस्ट ऑन दैट.
So I give a lot of training in the in my organization also, not on a high level kind, but basic store training, a new store, new joinees, and also Wonderful. so that, yeah, that is how my interest has developed on training and development. So somehow I have managed to clear my first and second semester. So yes, so that is also तो चलिए शुरू करते हैं। right, sir. ये क्वेश्चन का क्या जवाब है? So I think both talent and hard work goes work both simultaneously is what I feel. So when करेक्ट, there is talent to showcase that talent also, you really need to work hard and you really need to have that patience and then that knowledge and then that the time that you need to give. So I think both works both hand in hand for me. यू आर वेरी राइट, दिस इज द राइट थिंग। ये सब तो ग्रीन गॉट टैलेंट वाला तो आपने देखा ही होगा, राइट सर, और इंडिया गॉट टैलेंट, यूएस गॉट टैलेंट, ब्रिटेन गॉट टैलेंट, वो चलता रहता है। राइट सर, एक्सीलेंस की जब बात हम लोग करते हैं, टैलेंट की बात हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि काम तो कोई भी कर सकता है, राइट, बट जितना प्रतिभा होगी उतना हम उसको बेटर कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट की बात हम इसलिए करते हैं बिकॉज जब हम टैलेंट के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम तीन चीज़ों की बात करते हैं। एक तो ये करते हैं कि जो की पोजीशन है उनका बैकअप हम क्रिएट करते रहें, है ना, राइट, और जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनके ऊपर फोकस रहे। तीसरा ये है कि इन्वेंटरी की हमारे पास कितनी कितनी टैलेंट, कितने स्किल्स हैं, कितना ये है। बेसिकली टैलेंट मैनेजमेंट में तीन ही चीज आती हैं, करेक्ट। राइट सर, सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू, वेर एवर यू वॉन्ट मोर डिस्कशन देन वी विल गो दैट। श्योर सर, हम लोग के बहुत सारे वो हैं वो इश्यूज। अब क्वेश्चन होता है कि जब पोटेंशियल की जब बात होती है, जब टैलेंट की बात करते हैं तो पोटेंशियल की भी बात होती है, और पोटेंशियल में ये बात होती है कि हम ये देखते हैं कि भाई जो लोग हैं वो कैसे क्लासिफाई हो सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंगली वी कैन फोकस ऑन देम रिलेटिवली। देर आर पीपल जो बिल्कुल ही लगता है कि इनको इनमें दम नहीं है, या कुछ ऐसे हैं कि इनको रोटेट किया जा सकता है, कुछ ऐसे हैं पोटेंशियल है और कुछ है ये कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वी बेसिकली थिंक इन टर्म्स ऑफ, व्हेन वी थिंक ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट वी थिंक ऑफ क्लासिफाइंग पीपल इनटू देयर रिलेटिव यूटिलिटी। इट इज़ नॉट ओनली विद टैलेंट बट विद एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं उसमें भी तो यही करते हैं, ए राइट, क्लास आइटम्स, बी क्लास आइटम्स, सी क्लास आइटम्स। इन्वेंट्री का तो पढ़ा होगा ना यस सर, में है, तो फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, राइट, क्रिटिकल, डिजायरेबल। अच्छा, अब ये होता है कि जब हम करते हैं तो हम परफॉर्मेंस भी देखते हैं पोटेंशियल के अलावा, और पोटेंशियल में हम ये देखते हैं कि बिलो एक्सपेक्टेशंस कौन है, मीटिंग एक्सपेक्टेशंस कौन है, इस टाइप से करते हैं। एक्चुअली टेक्निकली ये जो एक्सपेक्टेशन की जो बात है वो गलत है। हम इसको इसलिए दिखाते हैं बिकॉज बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ये टर्मिनोलॉजी यूज करती हैं। मार्क्स एंड स्पेंसर क्या करता है? so we have this kind of ratings only, so it's met either we have met, we have exceed expectations. We don't have a thing called below expectation, so we call it not met. For example, if you have not met any of the objectives हाँ, or लेकिन एक्चुअली ये जो एक्सपेक्टेशन का जो फॉर्मूला लगाते हैं ये डिफेक्टिव राइट, है। और क्यों डिफेक्टिव है? क्योंकि जो जिससे एक्सपेक्टेशन कम है वो अगर ज्यादा कर देता है तो एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन में हो जाता है, और जिससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है अगर वो कम करता है तो कहते हैं तुम हमारे एक्सपेक्टेशन पे ठीक नहीं उतरे। तो टेक्निकली व्हेन वी यूज द वर्ड एक्सपेक्टेशन वी आर डिसएडवांटेजिंग द पीपल विद हुम वी हैव मोर एक्सपेक्टेशंस एंड गिविंग अ मोर एडवांटेज टू पीपल फ्रॉम हुम वी हैव लोअर एक्सपेक्टेशंस। राइट, आर यू एग्रीइंग विद दिस और नॉट?
But whenever when we talk about any organization, there is a thing called bell curve on this also. So but that the bell curve that they follow somehow I feel is not correct. So right. पहली बार तो ये जो एक्सपेक्टेशन का वर्ड है ये बहुत ही सब्जेक्टिव है. राइट. अगर हम ये कहें कि एक्सीड्स ऑब्जेक्टिव्स, एक्सीड्स गोल्स, डज नॉट मीट गोल्स, तो थोड़ा समझ में आता है, क्योंकि वो एक विजिबल बेंचमार्क्स हो सकते हैं. हो सकता है उसमें भी डिबेट हो, बट दैट इज ए बेटर बेंचमार्क रादर देन सेइंग एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस. एक बंदा हमारे नीचे, एक बंदा आपके नीचे, आपका एक्सपेक्टेशन कम है तो आप एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस आसानी से देती हैं. हमारा एक्सपेक्टेशन लोगों से बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं नहीं ठीक है, मीट्स एक्सपेक्टेशंस बट डज नॉट. तो इट बिकम्स हाईली सब्जेक्टिव. व्हाई एम आई टॉकिंग? बिकॉज यू टुडे यू आर इन मार्क्स एंड स्पेंसर, टुमारो यू मे बी इन सम अदर कंपनी, बट फंडामेंटल्स शुड बी क्लियर. That yes. It is a highly defective proposition to talk about expectations. Because expectations can be very subjective and therefore some people will get undue advantage and some people will get undue disadvantage. Does it make sense? Right. Okay. अब आप दिख रही हैं तो हम समझ रहे हैं कि अच्छा भाई ठीक है. अब नहीं होती तो फिर तो वो बिग बॉस टाइप का हो जाता है ना, कि बिग बॉस कहते हैं. एनीवे, जो टैलेंट मैनेजमेंट की बात होती है उसमें क्या क्या आता है बेसिकली? आई नीड नॉट टॉक अबाउट इट बट यू नो कि ये सब सारी चीजें हैं. फ्लेक्सिबिलिटी, एंगेजमेंट, कल्चर, लीडरशिप, वेलबींग, टेक्नोलॉजी, वो सब है. So what is career development? So this is IGP, internal job posting, or career development can be many things. Career development means could also mean devising different paths for people who want to get into general management and those who want to get into specialist positions. Career development could also include in large organization cadre management. कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अज्यूमिंग कि हम 5% या 10% से ग्रो करेंगे तो हमें कितने लोग चाहिए होंगे, किस पोजीशन में, कितने फाइनेंस में चाहिए होंगे, कितने आरएनडी में चाहिए होंगे. सो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ कैरियर. अच्छा, जो अब एक्चुअली कैरियर की बात अब थोड़ी थोड़ी धुंधली पड़ती जा रही है, क्योंकि पहले ऑर्गेनाइजेशन चलती थी 100 साल और लोग चलते थे 20-30 साल ऑर्गेनाइजेशन में. अब उल्टा हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन लोग ज्यादा चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कम चलती है. सो कैरियर मैनेजमेंट टू दैट एक्सटेंट यू आर राइट दैट कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर इज ए फेड होता जा रहा है एज ए कॉन्सेप्ट. इंगेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि जितने दिन रहे उतने दिन ठीक से काम करे, बजाय ये कि 30 साल में क्या होगा, है ना. So, right. To that extent, it is true, but career development is basically planning on how people will progress in how many years and so on. Career management ki jo baat hoti hai, usme. Okay. You are familiar with the word concept, competency? Yes. You are familiar. Right. So I need not get into that. It's a cluster of relative knowledge, attitude, distance. Right. ओके, कॉम्पिटेंसी मैपिंग कैसे करते हैं ये पढ़ा है? Yes, so we have. I have started this job evaluation. Yes, this okay. Right. Yeah, this that I've studied. You have also studied what is competency definition. Right, yeah. Right. So this we had a L&D session also on this. Yes. Okay. That is what it's good, na? We can skip those things, right, where you need not possess, need not get into, right, that. Okay. This is also very simple.
most difficult. Then you have threshold competencies and differentiating competencies. This also is clear. Right, sir. So basic चाहिए, कुछ superior performance के लिए अलग चाहिए. ठीक है. So competency category is it depends on individual to individual or so how do the trainer or a training team decides on this? दो चीजें हैं. एक तो हम ये देखते हैं कि हमारे जॉब के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए और हम एक ये देखते हैं कि इस इंडिविजुअल की कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है. आर यू फेमिलियर विद साइकोमेट्रिक असेसमेंट? आई डोंट रिमेम्बर. ओके, वी विल टॉक अबाउट दैट. सो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स उसी में किसी जॉब में, जैसे आर यू फेमिलियर विद हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटिंग फैक्टर्स? है ना, हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं कि जो मिनिमम होना जरूरी है, लेकिन उससे जैसे किसी की सैलरी बहुत कम है तो वो डीमोटिवेट होगा, लेकिन उसकी सैलरी अगर दुगना कर दो तो वो जो है वो जरूरी नहीं कि वो दुगना काम करने लगेगा. थोड़े दिन खुश रहेगा, उसके बाद फिर वही लाइन पे आ जाएगा. सो दैट्स ए हाइजीन फैक्टर. मोटिवेटिंग फैक्टर्स जितना ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा, जैसे कि लर्निंग है या ऑटोनॉमी, मतलब दोस काइंड ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं. उसी तरीके से कॉम्पिटेंसी में कुछ फैक्टर्स तो बेसिक मिनिमम फैक्टर्स होते हैं, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. दूसरे होते हैं डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी होते हैं. सो बेसिकली दीज आर ऑल जॉब बेस्ड. जॉब बेस्ड होते हैं, लेकिन जॉब बेस्ड में एक्चुअल पर्सन फिट हो रहा है कि नहीं हो फिट हो रहा है ये डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल की कॉम्पिटेंसी के स्कोर्स क्या हैं. ठीक है ना. ओके, कॉम्पिटेंसी मैपिंग कैसे होती है, वी विल नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज यू डोंट नो दैट. हैव यू नो अबाउट दिस बार्स फॉर मिड लेवल ऑपरेशन, आई मीन कॉम्पिटेंसी बार्स, एंकर, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, इसके बारे में पता है? So this I can go through because I think ये हमें, I will have to read it, so I'll be able to pick this. हाँ वो ठीक है, but what I am saying is कि एक कॉम्पिटेंसी में normally क्या होता है organizations में, I'm asking you because Spencer में क्या होता है, जो नंबर पॉइंट्स अलॉट होते हैं कितना, 4 पॉइंट स्केल है, कितने पॉइंट स्केल है? या 4 पॉइंट है. तो ये डिफाइन होता है कि 1 पॉइंट किस में देंगे और 2 पॉइंट्स किस में देंगे, ऐसे होता है कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं. नहीं सर, वी हैव लाइक परसेंटेज वाइज है, सो वी हैव लाइक डिफरेंट गोल्स, सो फॉर वन पर्टिकुलर गोल सो वी कैन रेट इट एज 10% or 20%, so depends on the level. वो तो potential हो गया, वो तो performance हो गया. Potential जैसे competency जैसे communication है. Right. Communication में marks देते होंगे? So that I am not aware of that. This is what I am saying कि उसमें जो होता है क्या होता है, कई organizations में ये scale तो बना देते हैं कि 4 point में, 5 point में, लेकिन उसको explain नहीं करते हैं कि 2 पॉइंट कब देने हैं, 3 पॉइंट्स कब देने हैं, 4 पॉइंट्स कब देने हैं, वो नहीं. Okay. ये बहुत जरूरी है. जब तक ये नहीं होता है तब तक वो डिफेक्टिव सिस्टम है. Okay. जैसे कि हमने ये एक्सप्लेन किया है कि अचीवमेंट ओरिएंटेशन क्या है, डिफिनीशन क्या है, हम कैसे जानेंगे कि इसका वो है, तो हम उससे पूछते हैं कि प्लीज टेल अस एन इंसिडेंट व्हेन यू हैड रियली नियरली इम्पॉसिबल टारगेट्स एंड यू एक्सेप्टेड इट एज अ चैलेंज एंड अचीव्ड इट. ठीक है. अब हम नंबर कैसे देंगे, ये से 0 से 10 तक का नंबर है, तो हम ये देखते हैं कि अगर वो ये कहता है प्लान दे वर्क ऑन प्रायोरिटी बेसिस एक्टिंग प्रोएक्टिवली, वो जो जवाब देता है उसमें प्रोएक्शन का दिखाता है कि नहीं दिखाता है, तो हम 8 से 10 मार्क्स के बीच में देंगे. अगर वो प्लान वर्क टेकिंग इंटू व्यू प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज और ओवरलुकिंग फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज देता है तो 6 और 7 के बीच में देंगे. प्रॉपरली प्लान नहीं करता है तो 3 से 5 देंगे. लगता है कि प्लानिंग को वो एलर्जिक है तो 0 to 2 देंगे. व्हाट आई मीन टू से दैट व्हेन वी आर आस्किंग पीपल टू रेट,
then I must provide for different levels, different qualitative statements. Otherwise, it will be completely arbitrary and highly subjective. अगर हम ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, मान लीजिए 5 पॉइंट स्केल है, अगर हम उसकी डिफिनीशन अलग अलग पॉइंट्स की अलग अलग नहीं देते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अरे अच्छा आदमी है वो, फिर जनरल ओपिनियन से जाते हैं, उसको 4 नंबर दे दिए, जिसको समझ में नहीं आता उसको छोड़ते हैं कि यार ऐसा है बुरा क्यों लिखो, इसको 5 में 3 दे देते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी की जो बात होती है ना। बट अगर अगर लैंग्वेज लिखी हुई है कि 3 आप जब देंगे जब ऐसा होगा, 2 देंगे तो ऐसा होगा, तो एक बाइंडिंग हो जाती है, देन इट बिकम्स मोर ऑब्जेक्टिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ योर ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव देन यू मस्ट एट लीस्ट नो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, सो दैट वेयर इफ यू आर प्लेस्ड इन अ पोजीशन एनीवेयर एल्स where you have to design a system, you should design accordingly. ठीक है? Sir, does this fall into performance management or is it just a... It does fall into performance management, but it feeds into talent management. Therefore, we are talking about it. क्योंकि अगर हमको clearly पता नहीं होगा, अगर हम कहते हैं कि interpersonal skill जो है ये he's 2 out of 4 or 3 out of 4, तो आप कैसे उसकी ट्रेनिंग प्लान करोगे? क्योंकि पता होना चाहिए ना कि व्हाट डू यू मीन बाय 2, व्हाट डू यू मीन बाय 3। अनफॉर्चुनेटली बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में ये क्लैरिटी नहीं होती है, राइट, सो दे मेक अ मेस ऑफ इट। ठीक है, अब हम आते हैं, अब इसको हम आपको उसी को इसको लार्जर उसमें दिखा रहे हैं कि एक तो ये है कि डिफाइन कैसे क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कि वो जो है जो आंसर देगा उससे हम जज करेंगे। तो क्वेश्चंस इसीलिए कहते हैं, बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू का नाम सुना है? यस। तो बेसिकली इंटरव्यू में क्वेश्चन देना जरूरी होता है, राइट क्योंकि आपको पता है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, सो दैट इज ए मस्ट। और क्वेश्चन देने के बाद ये देना जरूरी होता है कि कितने मार्क्स आप कब दोगे, जो पहले हम लोगों ने दिखाया था, है ना? वो जैसे पहले दिखाया था ना कि इतने मार्क्स इस पॉइंट, इतने मार्क्स वो देने जरूरी है, उसके बाद ये देना मस्ट है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी डन। जैसे ये है, इट इज, इसलिए हम आपको इसका एक जूम दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे आप उसको डिफाइन करते हैं अलग अलग पोजीशंस पर, सो दैट पीपल आर एबल टू गिव क्लियरर मार्क्स। इफ समबडी हैज गिवन 3 to 5, यू नो कि ये कहाँ पे होगा, राइट, है ना? वैसे पता नहीं चलता, तो ये जरूरी है। कॉम्पिटेंसी के अप्रोच का क्या क्यों होता है वो जरूरी नहीं है, वो हम आपको बात नहीं करेंगे, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट कॉम्पिटेंसी असेसमेंट आइडेंटिफिकेशन। और यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस? नो 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 सर। ओके गुड, देन हाउ डू यू डू दैट? दिस ऑल्सो यू आर अवेयर? ओके, डिजाइनिंग अ कॉम्पिटेंसी डिफरेंट। ठीक है ना? ओके, फिर हम उसको जो है इसमें, ये यहाँ पे रह गया, वैलिडेट कैसे करते हैं ये नहीं दिया इसमें, बट एनीवे बेसिकली बीआई है या केस स्टडी है या उस टाइप से इसको करके करते हैं, वैलिडेट करते हैं, फिर सिलेक्शन, ये पूरा असेसमेंट का प्रोसेस है, फिर एनालिसिस डेटा करते हैं, फिर जब कॉम्पिटेंसी की स्टडी होती है तो हम ये भी देखते हैं कि इस कॉम्पिटेंसी पर, जैसे लीडरशिप है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, उनके स्कोर उसी टेस्ट पे कितना आता है,
और एवरेज परफॉर्मेंस का कितना आता है। फिर हम ये देखते हैं कि टेस्ट के इस आइटम नंबर पे तो डिफरेंस सब्सटेंशियल आता है, इसके माने राइट टेस्ट के लिए ये तो आइटम ठीक है, लेकिन जिसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इस तरीके से उसका पूरा टेस्ट बनता है। मास्टर, एक मास्टर कॉम्पिटेंसी की लिस्ट बनती है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो अलग अलग लोग उसका अलग अलग इंप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, ये हैरिसन की मास्टर कॉम्पिटेंसी है। ये हैरिसन की क्या अलग अलग, ये तो जनरल लिस्ट है, लेकिन ये भी रिफाइन होती रहती है। जैसे हैरिसन असेसमेंट्स की लिस्ट थी, फिर उन्होंने 2018 में इसको रीडिफाइन किया। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग, सपोज आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और कहें कि यहाँ की कॉम्पिटेंसी डिफाइन करो, देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंसी लिस्टिंग्स। इसमें इसमें सबसे बड़ी जो किताब है वो स्पेंसर एंड स्पेंसर की है। हैव यू हर्ड ऑफ दैट? सर बट कॉम्पिटेंसी विल डिपेंड ऑल्सो ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन राइट सो डिपेंड ऑन द वर्क हाँ दैट वी आर डूइंग वो है, लेकिन मास्टर लिस्ट से आपको पिकअप करने में आसानी होगी, क्योंकि डिफिनिशनल जो पार्ट है ना उसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। ये टेस्टेड डिफिनिशंस हैं तो आपको आसानी रहती है, वॉट एवर, बिकॉज दे आर टेस्टेड की विच इज द बेस्ट वे टू डिफाइन दिस। क्योंकि वरना अगर हमारी लैंग्वेज में कंफ्यूजन रहेगा तो डिफरेंट लोग अलग अलग तरीके से उसको असेस करेंगे। जैसे कि अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव। अब आप अथॉरिटेटिव क्या होता है? हैव यू हर्ड ऑफ अथॉरिटेरियन? यस हैव यू हर्ड ऑफ अथॉरिटेटिव? यस यस व्हाट इज द डिफरेंस? सो डिफरेंस बिटवीन ऑथोरिटेटिव एंड ऑथोरिटेरियन ऑथोरिटेरियन इज द वन हु इज वी टॉक अबाउट पर्सन राइट और इफ यू टॉक अबाउट ऑथोरिटेरियन सो यू कैन हेल्प मी ऑन दिस हाँ, वही इसीलिए हम पूछ रहे थे। अथॉरिटेटिव होता है जो अथॉरिटी को यूज करना चाहता है और इंजॉय करता है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी उसके बिहेवियर अथॉरिटेटिव होता है, शो करता है कि ही कैन एक्सरसाइज अथॉरिटी। अथॉरिटेरियन वो होता है जो मिसयूज करता है अथॉरिटी का। तो अथॉरिटेरियन इज ए नेगेटिव वर्ड, अथॉरिटेटिव इज ए न्यूट्रल वर्ड, और बल्कि स्लाइटली पॉजिटिव। सो व्हाई आई वांटेड टू गिव दैट एग्जांपल, बिकॉज वर्ड्स कैन कैरी ए कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग इफ यू आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली। सो देयरफॉर यूजिंग मास्टर लिस्ट बिकम्स वेरी यूजफुल। नाउ आई कैन रीड इट यस हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब लीडिंग पीपुल के तरह तरह के माने हो सकते हैं, लेकिन अच्छा दूसरे ये कि लोग कहें कि भाई ये तो आपने माने अपने लगा दिया, ऐसा तो नहीं है। तो लीडिंग पीपुल जो है वो ये यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं। अगर आपका जो डिफरेंस है तो यू कैन पिक अप फ्रॉम सम अदर दिस थिंग ऑल्सो, कि अब देखिए एनर्जाइजिंग पीपुल अलग है। कहाँ गया ये जो है, एनर्जाइजिंग पीपल अलग है, लीडिंग पीपल अलग है। अब ये अगर आप क्लियरली डिफाइन नहीं करोगे तो इसमें कंफ्यूजन होगा, राइट है ना? सो यू मस्ट पिक अप द डेफिनेशंस फ्रॉम ए स्टैंडर्ड सोर्स। स्टैंडर्ड सोर्स ठीक ओके, है ओके यू पिक अप दोज विच आर एप्लीकेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, फेयर इनफ। बट इवन इन पिकिंग अप यूज स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, ओके बिकॉज इफ यू डू नॉट यूज स्टैंडर्ड डेफिनेशंस मेनी प्रॉब्लम्स में कम। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल में अंडरस्टैंड डिफरेंटली, सेकेंडली अगर आप कोई असेसमेंट यूज करेंगे, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, तो उसके डिफिनेशन कुछ और है, आपकी कुछ और है, तो वो उसका रिजल्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा।
सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। और जैसे यही है, ये अलग लिस्ट है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट लिस्ट टू शो दैट वट एवर यू आर यूजिंग यू शुड यूज फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव सोर्स, ऑथोरिटिव सोर्स, ठीक। ठीक है। ये देखिए अलग अलग है ना, इसका पूरा जो है डिफिनेशन। अब नई कॉम्पिटेंसीज ऐसी आ गई हैं, चेंज फैसिलिटेशन, फोस्टरिंग टैलेंट, ये भी बदलता रहता है मौसम के हिसाब से, मौसम माने कि जमाने के हिसाब से बदलता रहता है। देयर फर्दर रिफाइनमेंट्स, सो दैट्स ए नेसेसरी थिंग। उसके बाद फिर हम लोग असेसमेंट सेंटर डिजाइन करते हैं, वो पता है ना? ओके। रिकमेंडेड फॉर्मेट क्या, एक तो डिक्शनरी से लेते हैं, टास्क से लेते हैं, फिर लॉजिकल सीक्वेंस से लेते हैं। ये भी अलग अलग लेवल का अलग अलग होता है। यस। अब जैसे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन टॉप लेवल पे और जूनियर लेवल पे कम्युनिकेशन के माने अलग अलग होंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। कम्युनिकेशन एट टॉप लेवल वुड मीन प्रोएक्टिव एम्पैथेटिक लिसनर, इफेक्टिवली कन्वेइंग विजन स्ट्रेटजी, अडॉप्ट्स ए रेंज ऑफ कम्युनिकेशंस, गुड स्पोक्समैन पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब डायरेक्टर लेवल का बंदा है तो उसको तो ये चाहिए, लेकिन अगर जूनियर है तो आपको चाहिए कि रिटेन और स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी हो। ठीक है, नाम ठीक नाम है। कम्युनिकेशन ही है, लेकिन उसके मीनिंग्स अलग अलग हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर। सो दिस यू मस्ट डिफाइन बिफोर आस्किंग पीपल टू रेट दी जूनियर्स। इफ यू डू नॉट डिफाइन क्लियरली देन इट विल बी वेरी हेजी एंड अनसाइंटिफिक। एक एक वर्ड्स को डिफाइन करने में आपको तीन तीन लाइनें लगानी पड़ी। अब जैसे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्पीकिंग भी है, राइटिंग भी है, लिसनिंग राइटिंग भी भी। है, समराइजिंग वो भी है। सो देर आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द सेम। सो यू हैव टू डिफाइन क्लियरली इफ यू वॉन्ट टू गेट ए रिलायबल डेटा। Why am I showing this? Because in 95% of the organizations, इतना होता नहीं है। Because you are doing a special diploma, you should know better than others. ठीक है ना? अब आता है कि बेंच स्ट्रेंथ समरी, ये तो खैर वो है कि कैसे हम टैलेंट मैनेजमेंट में करते हैं, देखते हैं कि कौन सी पोजीशन जो है उनका रिप्लेसमेंट नहीं है, कौन सी पोजीशन है जहाँ एक से ज्यादा रिप्लेसमेंट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रमोटेबल मैनेजर्स कहाँ कहाँ पे अटके हुए हैं, जो बीच में पूरा मैपिंग करते हैं उसकी। टैलेंट मैनेजमेंट में ये सब भी देखते हैं, कौन से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कौन से लोगों का एक्सपेक्टेशन नहीं ठीक जा रहा है और टॉप परफॉर्मर्स कौन हैं। तो डिफरेंशिएशन इनटू डिफरेंट पोजीशंस एंड पीपल, दैट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो ओके गुड। ये आपने नहीं देखा होगा, नहीं, ये नहीं देखा इसमें क्या हम दिखा रहे हैं कि जब आप टैलेंट मैनेजमेंट करते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि ये जो लड़की है निवेदिता, डिफरेंट रोल्स के उसका असेसमेंट करते हैं, और हम ये ओके। देखते हैं कि ये असेसमेंट से ये निकला कि ये कंसल्टेटिव सेल्स मैनेजर जो है, ये इस पे 76 मिले, हेड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इसको 66 मिले, हेड ओडी में 65 मिले, बिजनेस एडवाइजर में 64 मिले। सो इसकी सक्सेशन प्लानिंग में और डिप्लॉयमेंट में इसका काफी यूज हो जाता है। सो हम जब किसी को प्लेस करते हैं तो साइंटिफिकली अगर हम चलेंगे यूजिंग साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स आल्सो, देन वी विल बी एबल टू प्लेस द पर्सन बेटर रादर देन गोइंग बाई सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। ओके। ये नहीं देखा ना? नहीं। हाँ वही कह रहे थे।
ओके अब ये आता है कि अब जो इसका जो डिफरेंट सेक्शन था, एक था कि मॉडल्स टैलेंट डेवलपमेंट के, टैलेंट मैनेजमेंट के क्या क्या मॉडल्स होते हैं। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मॉडल इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटिंग। आई एम जस्ट शोइंग यू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन आस्क, बिकॉज बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग इज द टैलेंट मैनेजमेंट इन मीन्स having a complete picture of what all things are included in that. Okay. ठीक है, ठीक है सर। ओके, इसी तरीके से दूसरा मॉडल है, उसी बात को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। आई एम शोइंग यू 3-4 ऑप्शन जस्ट टू शो दैट हाउ पीपल लुक एट द टैलेंट मैनेजमेंट मॉडल लाइक दिस। ठीक है, ठीक है ना। Any questions? No. No, sir. Okay. This is yet another model. But basically represent what all is considered. अब उसके बाद कैसे करते हैं? पहले तो start top से करते हैं कि क्या चीज important है, values को, उसके बाद competencies, ऑर्गेनाइजेशन मिशन और कोर वैल्यू से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी क्या है, फिर की स्टेक होल्डर्स क्या समझते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, देन वट एवर द सिस्टम वी डिजाइन वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ यूजर फ्रेंडलीनेस, यू हैव टू थिंक ऑफ सिंप्लिसिटी, वी हैव टू थिंक ऑफ इंक्लूजन एंड प्रेडिक्टिव, नथिंग ग्रेट एक्चुअली, बट ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड व्हेन यू आर डेवलपिंग ए मॉडल। ओके, देन वट वी डू कि इसको जो है प्रायोरिटीज देखते हैं, लगता चला जा रहा है ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस की क्या 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 प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट अ सैंपल। अब जैसे कि सुपरवाइजर्स के सेगमेंट पर जो है, यहाँ पर वो कह रहा है कि लूज रेटिंग सिस्टम है, 29% एम्प्लॉयज को उन्होंने हाई परफॉर्मेंस दिया हुआ है, खिसक रहा है ये। लेट मी जस्ट स्विच ऑफ दिस सो दैट इट विल बी बिट इजियर हैंडलिंग। ओके, सेगमेंट बी में टॉप परफॉर्मर्स एवरेज ओनली 2-3% मोर कंपेंसेशन देन अदर्स, उनको हम परफॉर्मेंस रिवार्ड ज्यादा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। वीमेन एंड माइनॉरिटीज में हम ये देख रहे हैं कि टर्नओवर बहुत है, या हम ये देख रहे हैं कि सेल्स टीम में जो है वो एडुकेट नॉलेज नहीं है, या ये देख रहे हैं कि कॉलेज ग्रेजुएट्स जो हैं वो ऑफर एक्सेप्टेंस बहुत कम है, या हम ये देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। मतलब बेसिकली व्हेन आई एम थिंकिंग ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट आई हैव टू सी एट डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज एंड देन एड्रेस दोज अकॉर्डिंगली। Okay. There will not be a single problem. जब आप कहेंगे कि नॉर्मल क्या होता है कि लोग कहते हैं टर्नओवर बहुत है, या टर्नओवर हम कहते हैं कि नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो 9-5% टर्नओवर है, ज्यादा नहीं है, है ना। लेकिन दैट इज एन इनकम्प्लीट आंसर। हमें ये देखना है कि 5% टर्नओवर कहाँ पे है। मान लीजिए वर्कर्स है उसमें 0 टर्नओवर है, उनकी पॉपुलेशन 3,000 है, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो खाली 10 हैं, लेकिन उसमें 50% टर्नओवर है, तो वो चिंता का विषय है कि नहीं। परसेंटेज जब तक कि हम इस थ्रेडबेयर एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक वी विल नॉट बी एबल टू इफेक्टिवली हैंडल टैलेंट मैनेजमेंट। एक एक सेगमेंट की पोजीशंस प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं।
Okay. You must analyze with a comb. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वहां पे क्या प्रॉब्लम है, उसको जो है पूरा वो देखना है. अब जैसे यही है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा रिडंडेंसी होने जा रही है, 1200 एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा हो गए, इनको कैसे डील करना है वो अलग प्रॉब्लम है. सो सिमिलरली यू विल हैव टू गेट इनटू डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट लेवल्स. देन यू सी फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग टैलेंट पोर्टफोलियो डिसीजंस, उसी से रिलेटेड. What are the objective, operating objectives of our each core activities? वहाँ पे talent की capability के क्या challenges हैं? Optimal talent portfolio क्या है? Optimal each segment of the talent, what are the appropriate strategies? वही जो हम अभी आपको नक्शा दिखा रहे थे. Right. Summary है. अब हम उसको वो देखते हैं कि एक और एंगल देखने का ये होता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल टू बिजनेस प्रोप्राइटरी नॉलेज के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जिनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू जो है वो अल्टरनेटिव स्टाफिंग स्ट्रेटजीज से हो सकती है, उसमें क्या कर सकते हैं, जो लोग मिसफिट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए अलग अलग डिसीजन लेना पड़ेगा, यहाँ बिल्ड करना है, यहाँ प्रोटेक्ट करना है, यहाँ स्ट्रीम आउटसोर्स करना है, यहाँ शेड करना है. तो टैलेंट मैनेजमेंट इज कस्टमाइजिंग दी डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट सेक्शंस. ठीक है. अब ये है कि जब हम टैलेंट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो हमारे एचआर की स्ट्रेटजी, क्योंकि एचआर का ही सब पार्ट है वो, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे है. यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है. आपको क्या लगता है, मर्सर जो ये मार्क्स एंड स्पेंसर है वो किस लेवल पर है? कहाँ पे है सर? आई थिंक लेवल 3 पे है. ओके ओके. व्हाट यू आर सेइंग कि स्ट्रेटजिक एचआर डिपार्टमेंट का है लेकिन बिजनेस से इंटीग्रेटेड इतना अच्छा नहीं है. सर बिकॉज़ वी हैव स्टोर एंड हेड ऑफिस डिफरेंटली, सो द प्लानिंग इज टोटली डिफरेंट. सो फॉर स्टोर एम्प्लॉय the training and everything is planned differently. So, unka strategy hi alag hai. And then for people on the head office, jo corporate usme hai, unka fir alag se strategy hai. So, नहीं वो अलग से strategy हो, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि analytics use हो रही है, कितना use हो रही है. So, since I'm not a part of the training team from my organization, you are not aware of it. Right. Okay. अब आजकल के ट्रेंड क्या है टैलेंट एक्विजिशन में? एक तो रिमोट इंटरव्यूइंग का है, ये आप क्या, तो बेसिकली वीडियो इंटरव्यू तो सब जगह हो गया है. राइट है ना, लेकिन वो ये सब नहीं हो रहे होंगे, हायर व्यू या मोंटाज या इस टाइप के, नहीं ये तो यूज नहीं होते हैं. दूसरा ये है कि कैंडिडेट एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. पहले क्या होता था, I don't know when you got the job, तब आपके साथ कैसा हुआ था? पता चला बुला के बैठा दिया, 4 घंटे तक बैठाए रहे, ऐसा हुआ था? Yes. हाँ, अब जो है, अब उस समय इतना कोई बॉदर नहीं करता था. Now it has become a very important thing कि अगर हम acquisition में हैं, then I also must see कि candidates को क्या impression मिल रहा है हमारी company के बारे में. Earlier, I think it's important also for you, sir. Yes, it is important, but earlier people did not used to bother that much. ज़्यादा कहो तो कहेंगे ठीक है, नौकरी के लिए आया है ना, क्या प्रॉब्लम क्या है, बैठे रहने दो, इम्पोर्टेंट काम तो पहले होगा. They do not understand that employees are also customers.
and if you are dealing them badly, then what is the kind of an impression you are giving about the organization? कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि जब आप जाओ तो चाय को पूछते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वो भी नहीं पूछते. नहीं, आई मीन मार्क्स एंड स्पेंसर में पूछते हैं, सो आई थिंक. एनीवे, टाइम के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट एनीवे ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी डिफरेंट. दूसरे ये है कि आजकल कंटिंजेंट वर्कर्स का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ती चली जा रही है. इसको गिग वर्कर्स कहते हैं. अच्छा, इसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का सुना है कॉन्सेप्ट, FTE है? सुना है कि नहीं? नहीं, पहले क्या होता था कि दो तरीके के लोग होते थे, एक होते थे कैजुअल टेम्पररी और एक होते थे परमानेंट, दो होते थे ना. Right. अब जो है, अब गवर्नमेंट ने जो नया जो लॉ आया है, ऑफ कोर्स इट अभी उसको फॉर्मल नहीं हुआ है, लेकिन उसमें ये है कि आप लोगों को डिफिनिट पीरियड के लिए रिक्रूट कर सकते हो. कि ठीक है, आपको 4 साल के लिए रिक्रूट करेंगे, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट. ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है ना. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. अब गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आप फिक्स टर्म तो कर सकते हो, लेकिन सैलरी उनको वही दोगे जो रेगुलर एम्प्लॉय का होता है. जबकि पहले ऐसा नहीं था, टेम्पररी को उतना फैसिलिटीज नहीं मिलती थी जितना कि परमानेंट को मिलती थी. जैसे टेम्पररी में ग्रेचुटी नहीं होती थी. गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में आपको ग्रेचुटी वगैरह सब देना पड़ेगा, चाहे वो 6 महीने ही हो. पहले क्या होता था कि 5 साल मिनिमम जरूरी है ग्रेचुटी के लिए, है ना. तो ये FTE का नया कॉन्सेप्ट आया है. अच्छा, एनालिटिक्स, सोर्स ऑफ हायर कितना है, कितना टाइम लगता है फिल करने में, कितना हायर करने में टाइम लगता है, कितने दिन जॉब जो ओपन रहती है, ऑफर एक्सेप्टेंस रेट कितना है, कॉस्ट पर हायर कितना है, क्वालिटी ऑफ हायर कितना है, वैकेंसी, ये सब जो है एनालिटिक्स का भी यूज बहुत बढ़ता जा रहा है. उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बहुत बढ़ता जा रहा है कि रिक्रूटमेंट चैट बॉक्स लगा दिए या NLP लगा दिया. या हैव यू डन एनी टेस्ट मर्सर में रिक्रूटमेंट के समय? कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट किया था? नो सर. अच्छा, ओके. अब ये बहुत जरूरी हो गया है. दूसरी तरीके से स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी की बात ज्यादा हो गई है बजाय एक्सपीरियंस के. पहले क्या होता था कि इसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा ठीक है. अब ये होता है कि क्या कॉम्पिटेंसी क्या है, ये रिक्रूटमेंट में भी देखने लगे हैं. कैसे देखने लगे हैं, आई विल शो यू. ओके, आई थिंक लेट मी जस्ट शो यू सम थिंग्स जिसमें आपको आइडिया हो कि आजकल क्या हो रहा है. Just a minute. Let me just sure, sir. Okay. अब ये जो है, ये आप देख रही हैं इसको? अच्छा, अभी नहीं देख रही होंगे. जॉब सक्सेस एनालिसिस, इंडिविजुअल को आपने आते समय है उसको या घर से ही उसका जो है पहले टेस्ट कर लिया. एक मान लीजिए पर्टिकुलर पोजीशन है, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड सेक्शन सिलेक्शन स्पेशलिस्ट, तो वो ये बता देगा जो भी जॉब होगी
कि इस जॉब के लिए इसकी सूटेबिलिटी कितनी है, तो वो कह रहा है इसकी सूटेबिलिटी 49% है। ओके तो आपको कॉम्पिटेंसी की अगर डेफिनेशन आपने करेक्ट करी है और सिस्टम में डाल दिया है, तो ये बता देगा कि इसकी सूटेबिलिटी कितनी है। नॉट ओनली दैट, वो ये बता देगा कि एसेंशियल ट्रेट्स जो हैं, इस जॉब के लिए एसेंशियल ट्रेट्स क्या हैं, उसमें कहाँ कहाँ पे गैप है और कहाँ कहाँ पे ठीक है। अब टेक्स इनिशिएटिव में थोड़ा कम है, ओके एनालिटिकल में ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक कम है, मॉडरेटली येलो है ना, साइकोलॉजी, इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मेंटल फंक्शंस, ये भी जानना जरूरी है, रिक्रूटमेंट वाले के लिए तो जरूरी है ना, उसको पता होना चाहिए कैसे। अब ये जो है ये रेड है, विलिंगनेस टू अटेम्प्ट अ डिफिकल्ट टास्क, अमित प्रोबेबली टेंस टू अवॉइड चैलेंजिंग टास्क और प्रोजेक्ट्स, परस्यू ओनली टास्क एंड वेरी सर्टेन टू अचीव, अमित डिग्री ऑफ ड्राइव टू अचीव चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स विल प्रोबेबली हैव समवॉट ए निगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, ठीक है सर। अब आपके पास अगर ऐसी रिपोर्ट हो तो उसका इंटरव्यू लेने में आसानी होगी ना। ओके सर, बट दिस विल बी बिफोर द फाइनल फाइनल प्रोसेस, राइट? सो ये यस, उसको हम एक्चुअली आई एम आल्सो आई एम सिंस आई एम इनटू मेजरली इनटू रिक्रूटमेंट आई मीन असेसमेंट, हमको लोग कहते हैं कि जरा इसका जॉब का इसकी क्वालिटी देख लो कि क्या प्रॉब्लम है और इसके टेस्ट करा लेते हैं। अच्छा अब ये जो है ये टेस्ट से पता चल जाता है कि कहाँ पे, अब ये तो पहले तो एसेंशियल ट्रेट्स था, ये देख रहे हैं ना एसेंशियल ट्रेट्स लिखा हुआ है, राइट सर। उसके बाद डिजायरेबल ट्रेट्स क्या हैं, ये डिजायरेबल ट्रेट्स हैं। अब सेलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, डिजायरेबल ट्रेट क्यों है, क्योंकि जो रिक्रूटर होता है उसको थोड़ा सेलिंग करनी पड़ती है कि तुम, क्योंकि अक्सर जो रिक्रूट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो डबल माइंड में होते हैं, ज्वाइन करें कि ना करें, कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, तो रिक्रूटर को थोड़ा सा सेलिंग स्किल्स भी आनी चाहिए। डू ओके यू एग्री विद दिस और नॉट? सो दैट प्लीजिंग क्वालिटी शुड बी देयर, सो आई थिंक नॉट यस। ओनली प्लीजिंग, कन्विंसिंग क्वालिटी, वाई दे शुड ज्वाइन देयर ऑर्गेनाइजेशन, योर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, देन यू हैव टू सेल द जॉब एज वेल एज द कंपनी, कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रो एंड सो ऑन। ये डिजायरेबल है, एसेंशियल ट्रेट नहीं है लेकिन डिजायरेबल है, होना चाहिए थोड़ा, है ना। तो ये एसेंशियल ट्रेट्स, डिजायरेबल ट्रेट्स का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट होता है, ट्रेट्स टू अवॉइड, आर यू सीइंग दिस, ट्रेट्स टू अवॉइड ओके डिफेंसिव प्लांट, यस। है ना। ये जो है, अभी इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी किसी में इसकी बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम होती है देन यू कैन टेक ए डिसीजन कि इसको रखना है कि नहीं रखना है। ठीक, राइट सर। सो दिस इज वन एग्जाम्पल, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ आर यू देर, यस यस सर, आई एम हियर। गायब हो गई ना, इसलिए हमने कहा कि नहीं नहीं सर, आई एम राइट हियर। सो एक्विजिशन मैच्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट है कि क्या क्या टैलेंट एक्विजिशन में हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, जस्ट फॉर रेफरेंस दैट इन यू ओके कैन हैव एक्सेस टू दी पीपीटी लेटर एंड सी कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द
फाइव फैक्टर्स पर, जिससे ये पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन का जो टैलेंट एक्विजिशन प्रोसेस है वो कितना मैच्योर और कितना एडवांस्ड है. So, but it is an ongoing strategy, right? So it has to keep changing, or is it fixed? No, it keeps changing. But only thing is, what are the elements which are there and which are not there in an organization? That will help you decide ki kahan kahan par emphasis badhani hai. Suppose you become a talent manager, then you should know what are the things which are there and what are the things which are not there. Okay. And you have to include things. Usi tarike se analytics ka bahut role ho gaya hai. Where is your organization in this? No idea. So I am not able to see the screen. Oh, sorry. Arey bhai, to pehle bola hota. हम लोग यहाँ पे थे, ये तो देखा था. राइट, ये दिस वाज ओवर. ये देखा था, ये देखा था, उसके बाद ये देखा था. हाँ जी, उसके बाद ये. राइट, नहीं, ये वी वर हियर ना. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई वाज सेइंग दैट यू कैन ग्लांस थ्रू दैट. बट बेसिकली टू शो हाउ डू यू असेस द हेल्थ ऑफ the level of advancement of talent acquisition in an organization, and which are the things which are there and which are the things which are not there. ठीक है? ठीक है. अब जैसे कि personalized talent journey है, experience की बात है कि बंदा जब आता है तो उसको कैसे receive करते हैं, पानी को पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, बैठने की जगह देते हैं कि नहीं देते हैं, उसका schedule कैसे बनाते हैं, waiting period कितना कम है. वो अगर जितनी देर रहता है उसके बारे में वहां पे कुछ प्रेजेंटेशन है कुछ कंपनी के बारे में, या कैन यू एक्सेस, हाउ कैन यू यूटिलाइज दैट टाइम, वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, सो मेनी थिंग्स. उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि डेटा का कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है कि नहीं, चैट बॉट्स का यूज. एक जगह हम कॉन्फ्रेंस में गए थे तो एक टेलोसिटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, सुना है नाम? Which one, sir? Velocity. Velocity. Telocity. TALOCITY. Anyway, उनका एक वहाँ पे केबल टाइप. It's a software company. It's a software company, right? Instead. It is actually a company. हम तुमको बताते हैं इसमें क्या है उसमें. उन्होंने कॉन्फ्रेंस में थे तो उन्होंने क्या किया कि हम केबिन टाइप का था, एक जैसे बूथ होता है ना, उस बूथ में आप चले आइए, सामने okay. वो लगा स्क्रीन लगा हुआ है, वो आपको वो तीन सवाल उन्होंने पूछे कि आपको ये कॉन्फ्रेंस कैसी लगी. हमने बताया कि ये ऐसी लगी. उन्होंने कहा इसमें क्या क्या अच्छाई थी, तो हमने बताया कि ये अच्छाई थी. फिर उन्होंने कहा इसमें क्या क्या कमियाँ थी, तो हमने कहा ये कमियाँ थी. उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच. तो उसकी बेसिस पर उन्होंने हमारी 2 पेज की पर्सनालिटी रिपोर्ट निकाल दी. राइट, सो दे गिव सम काइंड ऑफ असेसमेंट टूल और समथिंग, आई डोंट नो, मे बी आई हैव हर्ड इट समवेयर. नहीं नहीं, वो असेसमेंट टूल तो दूसरी चीज है, वो तो साइकोमेट्रिक्स है. इसमें क्या होता है कि साइकोलिंग्विस्टिक्स है, वो आपके जवाब पर ध्यान नहीं देते, आपके फेशियल मूवमेंट, आई मूवमेंट, आपके लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज क्वालिटी ऑफ साउंड पे, उसके सब की बेसिस पर एक रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं, जो आपने देखा है, आपने देखा होगा साइकोमेट्रिक्स का. हम बता रहे हैं, हमने पूछा कि ये क्या है, कहने लगे ये साइकोमेट्रिक्स नहीं है, ये साइकोलिंग्विस्टिक्स है. ओके, so the way you speak, based on that they give you a report of your personality. Oh, interesting. Yes, that is what I'm saying, ki so much development is taking place, which is very fascinating.
ऑफ कोर्स इट मे बी नॉट रिलायबल इन द बिगिनिंग, बट शुरू में तो सभी चीज उतना परफेक्ट नहीं होती है, बाद में तो हो ही जाएंगे। दूसरे चैटबॉट्स हैं, जैसे कि कंपनीज को, अब कंप्यूटर कंपनी है उनको 3,000 वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर रिक्रूट करने हैं, तो अब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अब उनको इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने अपने घर पर वो कंप्यूटर खोल के बैठ जाएंगे, कंप्यूटर ही सवाल पूछता रहेगा, कंप्यूटर को ही वो जवाब देते रहेंगे। अच्छा हाँ, और उसकी बेसिस पर कंप्यूटर जो है वो 5 मिनट में ये निकाल देगा कि ये 3,000 आदमी में, 3,000 लोगों में ये जो 100 लोग हैं ये शॉर्टलिस्ट हुए। अब आप शॉर्ट जो 100 लोग हैं उनका इंटरव्यू कर लीजिए बजाय 3,000 का। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? इट इज, इट इज। सो अच्छा, उसमें ये है कि एक तो सबको सबको इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट नहीं होना है, वो काम जो है कंप्यूटर कर लेता है, और कर लेता है। कंप्यूटर साइमल्टेनियसली कर सकता है, चाहे 300 हो, चाहे 3,000 हो, चाहे 30,000 हो। इमेजिन द अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ टाइम एंड मनी एंड एवरीथिंग। मनी, राइट। हाँ, एंड देन प्रिसिशन, बिकॉज हमारी नजर भटक सकती है लेकिन कंप्यूटर तो शार्प आई से देखता है ना। हालांकि इसमें भी प्रॉब्लम होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अमेजॉन ने जो ये सॉफ्टवेयर बनाया वो आफ्टर ऑल सॉफ्टवेयर भी तो कोई ना कोई प्रोग्रामर ही बनाता है ना, राइट। उसमें जो अमेजॉन ने सॉफ्टवेयर बनाया वो बाद में उन्होंने रियलाइज किया है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो लड़कियों को डिसएडवांटेज करता है। ओके, कैसे? क्योंकि जो उसका जो उसकी एल्गोरिदम जो थी ना, उसके जो वो जिस तरीके के क्वेश्चंस के हायर मार्क्स देता था और जिनके कम मार्क्स देता था, उसमें उसकी प्रोग्रामर की प्रेजुडिस उसमें आ गई थी। ओके, सो देन अल्टीमेटली दे हैड टू स्टॉप एंड रीवर्क इट। रीवर्क इट, ठीक है। तो ये भी होता है, लेकिन द एडवांटेज ये है कि आपका एक तो टाइम बहुत बचता है, यू कैन डू इट मच फास्टर। दूसरे ये है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का टाइम या रिक्रूटर्स का टाइम बहुत बच जाता है, कॉस्ट टू द कंपनी जो बहुत बच जाती है। सो दीज आर ऑल एडवांसमेंट्स, जैसे इसमें लिखा ना डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, एक्चुअली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी आंख जो है वो हल्का सा फ्लिकर करती है माइक्रो डिस्टेंस में, राइट। तो जब वो पूछता है कि आप, जब कंप्यूटर ये एसेस कर लेता है कि यहाँ यहाँ पर इसने झूठ बोला, वो ह्यूमनली कैप्चर करना इतना आसान नहीं होता, राइट सर। सो दैट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स यूजेज ये बहुत बढ़ता जा रहा है। कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज, चैटबॉट्स, एआई, ये सब जो है इम्पोर्टेंट। अब इसमें जो है वो एनालिटिक्स का इम्पोर्टेंस है, इसीलिए कि बेसिक एनालिटिक्स क्या है, उसके बाद प्रोएक्टिव क्या है, ऑपरेशनल बेंचमार्किंग डिसीजन, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, स्ट्रेटजिक एनालिटिक्स क्या है, स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंटल पीपल मॉडल्स, एनालिसिस ऑफ डायमेंशन डिटरमिन कॉज एंड डिलीवरी ऑफ एक्शनेबल सॉल्यूशंस। लेवल 4 क्या है कि ये बंदा कैसा होगा। और जैसे साइकोमेट्रिक्स एनालिसिस में बहुत सी कंपनी जैसे CFO रिक्रूट करती हैं तो वो हमसे पूछती हैं कि बॉस जरा ये देख लो इसकी इंटीग्रिटी ठीक है कि नहीं है, राइट। ये एक पर्टिकुलर टेस्ट है, उसमें तो निकल आता है, वैसे नॉर्मली हर टेस्ट में निकलता भी नहीं है, लेकिन आप इंटरव्यू में कभी भी इंटीग्रिटी टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि कोई इंटरव्यू में थोड़ी बोलेगा कि वो बेईमान है या राइट राइट सर। कैसे पकड़ोगे आप? हाँ, इतना टाइम ही नहीं होता।
तो उसके लिए आपको एडवांस्ड सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, बट यू शुड नो दैट दीज आर दी थिंग्स विच आर हैपनिंग। उसी तरीके से टैलेंट में एसेंशियल टैलेंट एक्टिविटीज क्या हैं। अब ये 2016 में इन्होंने सर्वे किया था, यूएस में किया था, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं कि जो 2016 में यूएस में था वो अब मोर और लेस इंडिया में होने लगा है। मतलब ये जो पोजीशन है वो बदलती जा रही है। ये इंडिया का भी उस समय था, लेकिन ये सब जो है ये इंडिया में भी बढ़ रहा है। अब इसके भी लेवल वन है। लेवल वन ये है कि रिक्रूटमेंट करना है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना है, टैलेंट एक्विजिशन करना है, ये सब जो है। क्रिटिकल टैलेंट ग्रोथ, यहाँ पे क्या होता है, क्लियर टैलेंट, क्रिटिकल टैलेंट सेगमेंट्स, जैसे हम लोगों ने वो बताया ना कि अलग अलग सेगमेंट्स में देखते हैं कि क्या हो रहा है, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट कैसे है, लर्निंग एंड लीडरशिप एक्टिविटीज़ को और टारगेट करते हैं, और सोफिस्टिकेशन आता है, मैनेज टैलेंट रिलेशनशिप्स में क्या है, इसमें इसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट है, लर्निंग कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कंप्लायंस के बियॉन्ड देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, इंक्लूसिव टैलेंट मैनेजमेंट ये और एडवांस्ड है, रिलेशनशिप विद टैलेंट आर मोर सिस्टमेटिक एंड टैलेंट स्ट्रक्चर्ड। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। मतलब व्हाट आई मीन टू से दैट व्हेन यू आर डूइंग ए पेपर ऑन टैलेंट मैनेजमेंट इट इज यूजफुल फॉर यू टू नो दैट देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोफिस्टिकेशन इन टैलेंट सिस्टम एज वेल। और इसके लिए अगर कोई आपसे किसी अगले इंटरव्यू में पूछे कि अच्छा टैलेंट मैनेजमेंट में बर्सिन मॉडल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बर्सिन मॉडल जो है वो ये सारा जो है बर्सिन का है, देख रही है ना, बर्सिन डेलॉयट कंसल्टिंग, तो आपको पता होना चाहिए बर्सिन एसोसिएट्स, बर्सिन बाय डेलॉयट, डेलॉयट कंसल्टिंग, है ना। यू कैन से कि भाई इसमें ये होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की मशीन्स मैच्योरिटी कितनी है, क्या क्या हो रहा है, सिर्फ कंप्लायंस का काम हो रहा है या आगे भी हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी विल बिकम ए मेजर इशू एवरीवेयर टैलेंट मैनेजमेंट में भी। फायदा क्या होगा, 30% प्रोडक्टिविटी एडवांटेज, 18% इंक्रीज इन रेवेन्यू कंपेयर टू देयर लेस मैच्योर काउंटरपार्ट्स। असेसमेंट में क्या क्या देखते हैं, पर्सनालिटी देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, स्किल्स वैलिडेशन देखते हैं, कैपेबिलिटी एंड कल्चर। अब होता है प्री हायर जो टेस्ट की बात हमने जैसे दिखाई थी राइट हैरिसन की, अब उसमें या तो क्वेश्चनेयर होता है या गेम्स खिलाते हैं, कई जगह गेम्स बेस पे भी असेसमेंट होने लगा है, या आप आ गए तो आपको सिमुलेशन उस पर बढ़ा देते हैं कंप्यूटर पे, आप जरा ये सिमुलेशन कीजिए। कई जगह ट्रेनिंग में भी सिमुलेशन की जरूरत पड़ सकती है कि भाई जैसे आपका मान लीजिए रिटेल में है, ओके, आपके पास कस्टमर आया, अब वो ये कह रहा है तो आप क्या जवाब दोगे, ये कह रहा है तो क्या जवाब दोगे, तो वर्क एनवायरनमेंट सिनेरियो का मॉडलिंग कर सकते हैं, उसके बाद वो चेक करते हैं कि उसका बिहेवियर एटीट्यूड कैसा है, या एक्चुअल जॉब फंक्शन में कैसे परफॉर्म कर रहा है वो भी कर सकते हैं। तो ये रेफरेंस चेक लेके, या उसको बोला कि अच्छा तुम जैसे पहले होता था, आई डोंट नो वेदर यू नो दैट और नॉट, कि जैसे टाइपिस्ट रखते थे तो पहले उनसे टाइप करवाते थे कि अच्छा बताओ कितनी स्पीड आई, राइट राइट, आर यू अवेयर ऑफ दैट, यस यस, हाँ, तो वो असेसमेंट ऑफ हाउ ए वर्कर परफॉर्म्स इन एक्चुअल। या जैसे हम जैसे एक इंटरव्यू में हम गए तो उन्होंने कहा एक पेन रख दिया, कहने के ये पेन जो है हमको बेचो, सो दैट इज एक्चुअल जॉब फंक्शन में, सब प्री हायर के है ना, इसलिए प्री हायर, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस।
अब आता है इंगेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू. इंगेजमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू नो अबाउट इंगेजमेंट? इंगेजमेंट एज इन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. टैलेंट इंगेजमेंट, इंगेजमेंट वर्ड सुना है? नहीं सुना है. सो इंगेजमेंट एम्प्लॉय इंगेजमेंट. ओह इन या एम्प्लॉय इंगेजमेंट. हाँ और क्या, लड़की लड़के का एंगेजमेंट की बात. नहीं नहीं सर. हाँ सर, एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज बेसिकली व्हेन यू आर कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन और यू पुट दैट एफर्ट इनटू एनी वर्क और यू फील पैशनेट अबाउट योर जॉब्स एंड आल्सो. कैसे पता कैसे चलता है? तो कैसे पता चलेगा? How will you know this person is engaged or not? So probably so maybe it is often reflected in the individual outcome or अब वो मान लो वहां पे है, आपका सेल्स पर्सन है, सेल्स गर्ल है, अब उसका आउटपुट निकालना तो मुश्किल है ना. सो व्हेन सो फ्रीक्वेंट रिकॉग्निशन फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माय माय ऑर्गेनाइजेशन सो इफ कंपनी इफ द कस्टमर इज गिविंग गुड सर्विस गुड फीडबैक सो आई थिंक सो दैट इज वन वे ऑफ यू नो गिविंग दैट फ्रीक्वेंट रिकॉग्निशन. लेकिन वो तो कंपनी का होगा, इंडिविजुअल सेल्स गर्ल का नहीं होगा ना. So because but it is her effort only, you know, to drive that good feedback and survey. मैं तो दो तीन लोगों का काम होता है ना, वो आएगा, रिसेप्शन कैसा हुआ, वो जो सेल्स गर्ल ने कैसे डील किया, उसके बाद वो जो है वो पेमेंट के टाइम में कितना सिंपल रहा, किस समय स्मूथ आया, या अगर दो सेल्स गर्ल से बात करी तो ई विल नॉट नो और शी विल नॉट नो कि ये इस लड़की का क्या नाम था या इस लड़के का क्या नाम था. इंगेजमेंट तो नहीं पता चलेगा ना उससे. एनीवे, इंगेजमेंट की डिफिनेशन के हिसाब से इंगेजमेंट जो है वो ये देखता है द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड टू कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एंड आर विलिंग टू अप्लाई डिस्क्रिशनरी एफर्ट. ये डिस्क्रिशनरी एफर्ट का जो मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो इंगेज एम्प्लॉय होता है वो एक्स्ट्रा भी करता है. जो डिसइंगेज एम्प्लॉय होगा वो कहेगा सानू की मेरी टेबल से तो चला गया ना, अब वो जाने ऐसा काम जाने. सानू की हैव यू हर्ड डिस्क्रिशनरी एफर्ट विल बी लाइक गोइंग एक्स्ट्रा माइल टू डू समथिंग. एग्जैक्टली, वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ नोइंग whether employees are engaged or not can be seen by the amount of discretionary effort they take. For example, ek tarika ye hai ki sales girl kehti hai ki no, this is not on my table, this is on the other table. Dusra ye hai ki aaiye hum aapko dikhate hain kahan pe hoga. To chahe wo do kadam hi chale lekin wo batati hai ki वहां पे यू विल गेट व्हाट यू वांट. तो शी हैज टेकन एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू शो इवन दो शी वाज नॉट रिक्वायर्ड टू डू सो. सो इट शोज इंगेज्ड एम्प्लॉय. जो डिसइंगेज्ड एम्प्लॉय होता है वो इतना एफर्ट नहीं करता. अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल डिसइंगेजमेंट बहुत ज्यादा हो गया है. इंगेजमेंट जो है वो टैलेंट मैनेजमेंट में ये इशू बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, कि इंगेजमेंट का टैलेंट मैनेजमेंट में इंगेजमेंट की बात जरूर आएगी और वो सेटिस्फाइड होगा जितना मेहनत से काम करे, वो प्राउड होगा, विलिंग टू एडवोकेट होगा. कैसे पता चलेगा? डिस्क्रिशनरी एफर्ट होगा, उससे नेचुरली कंपनी परफॉर्मेंस बेटर होगा.
ये चीज इम्पोर्टेंट है। अब एक ये भी बात होती है कि रूल ऑफ डेविड टोंग करके एक है जो ये कहते हैं कि इंगेजमेंट को वो कैसे करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसने कहा कि 20% इंस्पिरेशन है, 30% कोलैबोरेशन है, 40-50% परस्पिरेशन है। हम ऐसे दिखाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगेन आई विल शो यू सम इंस्ट्रूमेंट विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेजर्स ऑफ इंगेजमेंट। नॉर्मली क्या होता है कि इंगेजमेंट सर्वे हो जाते हैं, सबसे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसके बाद वो जो है वो बता देंगे कि इंगेजमेंट जो है वो 23% है या 12% है या कितने परसेंट है। आई विल शो यू वन डेटा, आई थिंक आई शुड बी हैविंग इट हियर ऑल्सो। लेट मी जस्ट शो इफ आई हैव इट। एनीवे एक तरीका होता है गैलप। गैलप का नाम सुना है? नहीं सर। एक होता है गैलप सर्वे। गैलप सर्वे जो है वो शो करता है कि इस कंपनी में कितना एंगेजमेंट परसेंटेज है। बट द बेटर वे इज आई विल शो यू अनदर रिपोर्ट जो ये शो करता है कि एंगेजमेंट एक्चुअली इंडिविजुअल चीज है, वो सर्वे से, जनरल सर्वे से नहीं निकलता है। इसलिए एंगेजमेंट की जब बात आती है तो ये हमें देखना चाहिए कि इंडिविजुअल का एंगेजमेंट कितना है और लेट मी जस्ट शो यू। ये भी एक एंगेजमेंट की रिपोर्ट है, दिख रहा है ना? हाँ जी सर। यस सर। इसमें जो है वो ये बताता है कि एंगेजमेंट फुलफिलमेंट स्कोर कितना है और हर इंडिविजुअल के एंगेजमेंट के फैक्टर्स अलग होते हैं। जो जिस इंडिविजुअल को जो चाहिए वो उसको मिल जाएगा तो एंगेज होगा, और लोगों को अलग अलग चाहिए होता है। किसी को डेवलपमेंट चाहिए होता है, किसी को एप्रिसिएशन चाहिए होता है, किसी को रिम्यूनरेशन चाहिए होता है, किसी को कम्युनिकेशन चाहिए होता है, किसी के पर्सनल एक्सपेक्टेशंस होते हैं, किसी के अथॉरिटी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, किसी के सोशल एक्सपेक्टेशन होते हैं, किसी के वर्क लाइफ बैलेंस होते हैं। सो इन व्हाई आई एम शोइंग यू दिस इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी दैट एंगेजमेंट इज नॉट समथिंग विच कैन बी असिस्ट फॉर द कंपनी एज ए होल बाय डूइंग ए जनरल सर्वे। एंगेजमेंट इज समथिंग फॉर विच इफ आई वॉन्ट टू एक्चुअली check the engagement and improve engagement, I have to get to the basics of collecting data from each and every individual important. Each and every individual माने ये नहीं है कि हम सारे workers का ही करें, खासतौर से जो हमारे जहाँ पर engagement की problem है या retention की problem है या low turnover वहाँ ज़्यादा है। पता चला engineers का turnover ज़्यादा है लेकिन वो सेल्स पर्सन्स का नहीं है, या सेल्स पर्सन्स का ज़्यादा है इंजीनियर्स का नहीं है, तो जहाँ पे तो वो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या है। okay. और हर इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सकते हैं। अब जैसे यही इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल यू आर सीइंग दिस ना, वांट्स डेवलपमेंट, एंथुसियास्टिक भी है लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी बहुत करता है। एडवांसमेंट इतना नहीं चाहिए लेकिन डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट चाहिए, उसको चैलेंज भी चाहिए। अब ये इसका फुलफिलमेंट 80% है इसलिए ये चिंता नहीं है। मान लो कि वांट्स डेवलपमेंट तो होता लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट 3 होता,
तो ये शो करता है कि ये चाहता तो है लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहा है। तो हमें ये उससे बात करनी पड़ती, भाई ये अगर तुम खुद इम्प्रूव नहीं करोगे तो कैसे डेवलपमेंट होगा, या आप इस पे आ जाइए, अथॉरिटी एक्सपेक्टेशन, ये ऑटोनॉमी बहुत चाहता है, इनिशिएटिव भी लेता है, लेकिन ये रूल्स वगैरह ज़्यादा नहीं मानता, इसलिए इसका फुलफिलमेंट 40% है। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, इससे इससे डायलॉग करना पड़ेगा कि देखो बेटा ऐसा है, अगर तुम रूल्स को नहीं मानोगे, सिस्टम को नहीं मानोगे, तो तुमको कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं देगा। राइट एग्जैक्टली यस ठीक है ना? है तो जब तक कि हम माइक्रो लेवल पे उसकी एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक हम उसको डिसीशन, ये एक्स इंडिविजुअल का डिफरेंट होगा, वाई इंडिविजुअल का डिफरेंट होगा। हाँ राइट सो हमें हर इंडिविजुअल को एज एन इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा। अब जैसे ये है, ये जो है सोशल अपॉर्चुनिटी, इसको 10 चाहिए, लेकिन ये मान लो ऐसी पोजीशन में है जहां उसको बहुत से लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पाता है, अलग केबिन है उसमें, सुबह से शाम तक बैठा रहता है, तो ये फ्रस्ट्रेटेड है। अब इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको ऐसी जगह डिप्लॉय किया जाए जहां लोगों को मिलना जुलना इसका रहे, तभी ये सेटिस्फाई होगा वरना नहीं होगा। राइट आर यू यस गेटिंग? यस यस सर तो लाइक दिस पीपुल हैव टू बी सीन इंडिविजुअली एंड देन करेक्टिव एक्शन हैज टू बी टेकन, विच इन सम केसेस कैन इन्वॉल्व द करेक्टिव एक्शन एट द कंपनी लेवल, इन सम अदर केसेस द करेक्टिव एक्शन मे हैव टू कम फ्रॉम द इंडिविजुअल हर सेल्फ। ओके जैसे ये केस है अथॉरिटी का, और इसमें कंपनी क्या कर सकती है, अगर जब तक कि इस बंदे को ये नहीं समझ में आएगा कि भाई रूल को फ्लॉट फ्लाउट अगर तुम करोगे तो तुमको लोग अथॉरिटी देने में डरेंगे। राइट सो दैट इंडिविजुअल हैज टू इंप्रूव फॉर एंगेजमेंट टू बी इंक्रीज्ड, नॉट दैट कंपनी ओनली हैज टू डू समथिंग, बट ये माइक्रो एनालिसिस जो है बहुत जरूरी है। यू आर गेटिंग? यस सर तो ये चीज जो है, अब ये है, एक इंडिविजुअल को वो चाहता है कि हमारी ओपिनियन जो है वैल्यू की जाए, कोई हमारी बात पे ध्यान नहीं देता, तो उसको उस तरीके से हैंडल, मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग वो होंगे और उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ओके डज दैट मेक सेंस? यस यस आई अंडरस्टूड ओके, सो दिस इज व्हाट इज एंगेजमेंट एनालिसिस। नाउ लेट्स गो बैक टू वेयर वी वर। सो वी वर हियर डेविड टोंग का। यस अब डेविड टोंग का जो है उसका एक केस स्टडी भी है कि कैसे किया गया। पहले तो सर्वेज की बात होती है, सर्वेज में क्या क्या वो करते हैं, हॉट स्पॉट्स देखते हैं कहाँ पे कम है, लेकिन ये सब जो है वो जनरल नॉलेज है। स्पेसिफिक नॉलेज के लिए हैरिसन जैसे का इंगेजमेंट एनालिसिस करनी पड़ती है। अब वो परस्पेक्शन, अब ये जो है वो कैसे मास ग्रुप ने कैसे किया, मेहनत कैसे करी, उनकी क्या वैल्यूज थी, मेबी सम अदर टाइम वी विल टॉक बिकॉज इट इज ऑलरेडी 3:30। ठीक है? ठीक है सर सो वॉज इट इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फॉर यू? यस यस सर ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम, बिकॉज वो थैंक यू सो मच सर एटलीस्ट इवन इफ व्हेन आई वाज अ सिंगल पार्टिसिपेंट आल्सो येट यू एक्सप्लेन्ड मी लाइक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स एंड आल्सो इट वाज हेल्पफुल राइट हमें तो पता नहीं है ना, चाहिए। ओके, थैंक यू, बिकॉज थैंक आई एम ऑल्सो आई स्टडी डिप्लोमा एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑफ
अपने ही लोगों को हेल्प करने की बात है। थैंक यू। श्योर सर, थैंक यू सर। ओके बाय।